हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर फार्मिंग। हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करके कम लागत पर, कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, कौन सी बीमारी आती है उनका इलाज, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ दोस्तों शेयर करने वाले हैं। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सदस्यता ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फूल गोभी की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उनका इलाज सस्ते पर बढ़िया इलाज हो जाए। तो प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स पत्तियों को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। डीबीएम फॉलारी वर्म है, तंबाकू इल्ली सुंडी और वॉल वर्म है। इसके अलावा एफिड जैसिड थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, गलन और केविज मैगेट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं फंगस पर लीप स्पॉट है, विल्ट है और विलाइट पीलापन। और दोस्तों आपने देखा होगा कि फूल समय से पहले ही आ जाते हैं और जो छोटे छोटे पौधे पर समय से पहले फूल आ जाते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। और जो फूलों की क्वालिटी कैसे आप बना सकते हैं तो ध्यान से सुनिए, समझिए, इन दवाइयों को आप फॉलो कर सकते हैं। सेमी लूपर्स, इल्ली, तंबाकू इल्ली, सुंडी, इनमें से किसी का भी प्रकोप है तो सिजेंट कंपनी की एविसेंट 15 लीटर पानी में 3 ग्राम, या फिर आदामा इंडिया कंपनी की फैलेथोरा 15 लीटर पानी में 30 से 35 ml, कोराजन 5 ml, या फिर FMC की वेनबिया लगभग दोस्तों 15 ml, इन तीनों चारों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा DBM का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो आप कोराजन प्लस नीम अर्क, कोराजन 5 ml, नीम अर्क 15 ml, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए, या फिर 12 जाइट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 30 ml DBM का यदि अटैक है तो। इसके अलावा एफिड जैसिड थ्रिप्स का प्रकोप दोस्तों देखने के लिए मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। यदि देखने के लिए प्रकोप मिल रहा है तो इमीडा प्लस फिप्रोनल का कॉम्बिनेशन आता 40-40%, 8 से 10 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। फिर वायर कंपनी की सोलेमन 10 ml प्लस नूबन 25 ml, दोनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए एफिड जैसिड थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए यदि मिल रहा है तो। फूल गोभी की फसल पर दोस्तों विलाइट, लीप स्पॉट और जो फंगस लगने वाली जो समस्याएं हैं, यदि प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो कोई एक फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे एंट्राकोल 70% WP 35 से 40 ग्राम, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम। लेकिन दोस्तों आपको एक काम करना है, एंट्राकोल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को ले रहे हैं तो अलग अलग घोलना है प्रारंभिक स्टेज के लिए। लेकिन मुख्य स्टेज पर फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो एमस्टार टॉप 20 ml प्लस M45 आपको दोस्तों लेना है 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन चल जाएगा। इसके अलावा विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है तो सूखने की समस्या जो आती है तो पौधा सूख रहा है तो इसके लिए वायर कंपनी की एलेट या फिर रोको फंगीसाइड 500 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा सोयल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। 50 से 100 ml की दर से आपको जो घोल है, 200 लीटर पानी का जो घोल है उसको 100 ml प्रति पौधा की दर से आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। बढ़वार नहीं होती, कभी कभी देखा होगा दोस्तों आपने कि प्रॉपर खाद दवाइयों का प्रयोग तो कर रहे हैं, सभी खाद दवाई सिंचाई मैनेजमेंट को सुधार के भी रखे हैं, फिर भी पौधा बढ़वा नहीं ले रहा, तो ऐसे सिचुएशन पर आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर सकते हैं, पोषक सुपर 30 ml, या फिर सिजेंटा कंपनी की क्वांटेस 40 ml, किसी एक को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। पीलापन की भी समस्या आती है गोभी की फसल पर तो फूल गोभी की फसल पर पीलापन की समस्या ना आए तो प्लांटेशन के समय नत्रजन यानी यूरिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यानी वनस्पतिक बढ़वार के लिए एन यानी नाइट्रेट वेस खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, खरपतवार और साफ सफाई आपको बहुत जरूरी रखनी चाहिए, निराई गुड़ाई प्रॉपर करानी चाहिए और स्टार्टिंग के दिनों पर गोबर की खाद का प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं। फूलों का साइज अस्त व्यस्त देखने के लिए मिलता है, यानी प्रॉपर फूल नहीं खिल पाता है तो वनस्पतिक अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करना चाहिए, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त वाली जो खादें होती हैं दोस्तों उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और आप एक काम कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन 2 किलो आपको लेना है और गन्ने का
गोल 3 किलो इन तीनों को मिक्स कर लेना है और सॉइल एप्लीकेशन से दोस्तों आपको चलाना चाहिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। कैबेज मैगेट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है तो फिप्रोनोलॉजी 0.3% GR इंसेक्टिसाइड या फिर कार्बोफ्यूरॉन 3 किलो दोनों में से कोई एक प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। और वहीं खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करें तो निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो हमने आपको बीमारियों के नाम बतलाए हैं इस हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए, यानी आपकी फसल पर जिस प्रकार जो कीट का प्रकोप है उस हिसाब से आपको स्प्रे चलाना चाहिए। बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। तो पैदावार अच्छी निकालने के लिए उर्वरक खाद न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको समय समय पर करना चाहिए। फर्स्ट जो खाद है दोस्तों, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया जिंक और ह्यूमिक एसिड जो कि डोज आप देख रहे हैं प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड जो खाद है हमारी फसल ट्रांसप्लांट से 25 से 30 दिन की होती है, थर्ड खाद 45 दिन के आसपास की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन आपको प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। अब आप दोस्तों ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो यह जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 दिन से 30 दिन के मध्य है, 3-3 दिनों के अंतराल पर 1 दिन पर एक खाद वेंचुरी के माध्यम से चलाना चाहिए। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है 30 दिन से लेकर 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो 3-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं 3 kg प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। थर्ड 4-4 दिनों के अंतराल पर 50-70 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन खादों को आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब ड्रिप के ऊपर बात करें तो 16 mm इन लाइन आप ड्रिप लगा सकते हैं, मल्चिंग पेपर जरूर बिछाइए। अब बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको रखना चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 फीट, बेड की चौड़ाई आपको दोस्तों रखनी 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। तो जलवायु क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, रबी खरीफ के हिसाब से वैरायटी भी अलग अलग होती हैं। यह जो वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने तो नंबर एक एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS85 के नाम से आती है, क्लाउस की माधुरी, सिजेंटा कंपनी की CFL1522, हाईवेज की दामनी है, सेवनिस कंपनी की गिरजा है, बेलकम की समृद्धि 760 के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS555 और एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्र के नाम से आती है। इन किस्मों को दोस्तों आप लगा सकते हैं। एक एकड़ पर आपको ये मान लीजिए 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक पैकेट पर 2000 सीड्स की आसपास क्वांटिटी ऑफ सीड्स होते हैं। अब टाइमिंग के ऊपर बात करें तो बरसात पर भी खेती कर सकते हैं, ठंडियों पर भी कर सकते हैं, गर्मियों पर भी आप दोस्तों खेती कर सकते हैं। बरसात में खेती कर रहे हैं तो मई जून जुलाई पर आप पौधरोपण कर सकते हैं, ठंडियों के सीजन पर सितंबर से अक्टूबर, गर्मियों पर दिसंबर से जनवरी के आसपास आपको पौधरोपण दोस्तों कर देनी चाहिए। नर्सरी तैयार प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि आप नर्सरी दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रोट्रे पर भी और साधारण क्यारी विधि से भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे पर भी बढ़िया तरीके से नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने में ये मान लीजिए लगभग 25-27 दिन के आसपास का समय लग जाता है। अब नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं तो फंगस और इंसेक्ट का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है तो कोई कीटनाशक नहीं बल्कि नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1-1.5 फीट रखनी चाहिए और एक वेट पर जिगजैग आपको डबल लाइन पर, जी हाँ दोस्तों, एक वेट पर डबल लाइन पर पौधरोपण करना है, जिगजैग पौधरोपण करना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5-2 फीट, आप अधिकतम 2 फीट रख सकते हैं लेकिन 1.5 फीट काफ़ी उचित माना जाता है। पौधरोपण आप कर रहे हैं तो पहले सिंचाई कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी होना चाहिए और उसके बाद एक एक पौधे की आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। आप पौधरोपण आपने कर दिया उसके बाद सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आप यदि फ्लैट एरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 10-12 दिनों के अंतराल पर, ड्रिप से दोस्तों 3-4 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डिपेंड करती है भूमि पर, हल्की भूमि पर
थोड़ा जल्दी जल्दी सिंचाई, भारी भूमि पर थोड़ा सा अंतर रख के आप सिंचाई को फॉलो कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण, इस पर कोई भी रासायनिक खरपतवार नाशक हर्बिसाइड स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भूमि बंजर होती है, अगली फसल की पैदावार घट जाती है, इसलिए निराई गुड़ाई करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसलिए कि खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए लेकिन जो हमारी भूमि है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। दो निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही बेहतरीन आपको परिणाम रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। गोभी की खेती आप हमेशा बेड विधि से ही खेती करें, और आप चाहें तो मल्चिंग ड्रिप नहीं है तो बिना मल्चिंग ड्रिप के भी आप बेड विधि से दोस्तों खेती कर सकते हैं, अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब बेड तैयार कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, तो उस समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2 से 4 ट्राली गोबर की खाद जानकारी प्रति एकड़ की दर से, 2 से 4 ट्राली गोबर की खाद, SSP 50 किलो, DAP 40 किलो और MOP 25 किलो। और दीमक की समस्या भी देखने के लिए मिलती है, तो रिजेंट, GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना जब बेड आप तैयार कर रहे हो तो उस समय दोस्तों आपको प्रयोग करना चाहिए। लागत के ऊपर बात करते हैं, 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल पर जो लागत लगने वाली 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो इसका प्रोडक्शन है, जो इसका उत्पादन है, 100 से 130 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। बाजार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति केजी तक का रेट देखने के लिए हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो फूल गोभी की जो लाइफ साइकिल है 90 दिन से लेकर अधिकतम 110 दिन तक चल सकती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि कटाई इसकी जो हार्वेस्टिंग है, ये मान लीजिए हार्वेस्टिंग जैसे ही स्टार्ट होती है पहले मैच्योर जो फूल होते हैं उन्हीं की कटिंग करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। 90 दिन, 3 महीने, 3.5 महीने तक का समय दोस्तों लग सकता है। इसके अलावा मुनाफा के ऊपर बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 1500 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल जाता है और पैदावार 130 क्विंटल हुई तो 1,95,000 हमारा मुनाफा गया, लागत लगी 30,000, तो माइनस कर देंगे 1,65,000 दोस्तों हमारा जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आमदनी 1,65,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करके कम समय पर, कम लागत पर फूल गोभी की खेती से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यदि दोस्तों उत्पादन थोड़ा कम भी होता है और बाजार भाव कम भी मिलते हैं, तो हमने 1,65,000 बताए, आप 1,50,000 रुपये कम समय पर आप कमाई कर सकते हैं, 3 महीने पर आप फूल गोभी की खेती से कमाई कर सकते हैं। अब जो आमदनी है दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट है, जो बाजार भाव है, ना आपके हाथ में है ना हमारे किसान भाइयों के हाथ में है, तो यही एक समस्या भी है किसानों के साथ, क्योंकि रेट उत्पादन तो आपने निकाल ली, उपज निकाल ली, लेकिन उचित दाम यदि नहीं मिलेंगे तो फिर आमदनी हमारे किसान भाइयों को उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो आमदनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, रेट अच्छे मिलते हैं तो आमदनी अच्छी होने वाली है। तो आज का जो दोस्तों हमारा पर्पस था कि आप कैसे फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ है नॉलेजेबल सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।